हेलो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। लगभग सारे ही डिसिप्लिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CSIT यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम, कोई फीस नहीं रखी गई है, पोस्टें भी ठीक ठाक हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। डिटेल्स के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, लोकेशन क्या रहेगी, हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो, और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं। सभी का लिंक सीधा का सीधा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए आज नए बैच लॉन्च किया जा रहा है, जो कि गेट 2022 को फोकस में रखते हुए बनाया जा रहा है, जहां पे आपकी बायलैंगुअल क्लासे यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्लासे रहने वाली हैं। प्रॉपर यहाँ पे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, गेट 2022 को ध्यान में रखते हुए। 800 घंटों का यहाँ पे आपके पास लाइव लेक्चर सीरीज मिल जाएगी और उसके बाद वो आपके लिए रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। इसी के अलावा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसके लिए आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं CED140। और 17 अक्टूबर को सुबह के 11 बजे अन अकेडमी कॉम्बैट है, जो कि इंडिया लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर गेट है। इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइजेस भी इनके यहाँ हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 करोड़ तक की आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है। और इसी के अलावा 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे 100% डिस्काउंट मिल जाएगा इनके सब्सक्रिप्शन पे। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। सेम 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इनका ये प्रोग्राम चलेगा। आपको मेरा कोड यूज़ कर लेना है CED140। इसी के अलावा आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपके कोर्स 43,000 का है वो सिर्फ आपको 29,000 का ही पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो यहाँ पे एनरोल कर लें एज सुन एज पॉसिबल। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा CED140। बात कर लेते हैं हम सीधे आज के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये निकल के आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे इसे देखिए नॉर्दर्न रीजन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए 2021 और 21 और 22 के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के लिए है। नॉर्दर्न रीजन यानी कि अगर आप इन शहरों से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी से हो गए, इसी के अलावा बिहार से हो गए, इसी के अलावा आप देख सकते हो न्यू दिल्ली है और भी बेसिकली हमारे वो सिटीज़ या वो स्टेट्स जो कि नॉर्दर्न रीजन के अंडर आते हैं, तो उसमें आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यूपी वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका, इसी के अलावा बिहार वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है। उत्तराखंड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और जो स्टेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा। बेसिकली जो हमारे पंजाब और ये सब स्टेट्स हैं ये सब भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर सिटीज़ यहाँ पे रहने वाली हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने सारी सिटीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं। पोस्टों की बात कर लेते हैं तो देखिए पोस्ट भी लगभग ठीक ठाक ही हैं। ग्रेजुएट सिविल के लिए 10 वैकेंसी हैं, फिर डिप्लोमा सिविल के लिए 7 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट के लिए 9 वैकेंसी हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा 13 वैकेंसी, CSIT वालों के लिए 2 वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पे और डिप्लोमा लेवल पे 4 पोस्टें यहाँ पे हैं। मैकेनिकल के लिए अगेन डिप्लोमा लेवल पे यहाँ पे 4 वैकेंसी है, एरोनॉटिकल के लिए 2 हैं, इसी के अलावा डिप्लोमा एरोनॉटिक्स स्लैश एरोस्पेस डिप्लोमा के लिए 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पे जो आपका प्रॉपर टेन्योर है वो 1 साल यानी कि 1 ईयर का रहने वाला है। स्टाइफन की बात कर लेते हैं तो स्टाइफन काफ़ी अच्छी, ग्रेजुएट लेवल पे आपको 15,000 की स्टाइफन मिल जाएगी पर मंथ। इसी के अलावा टेक्निकल लेवल पे यहाँ पे आपको डिप्लोमा लेवल पे आपको 12,000 की स्टाइफन मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप एक काफ़ी अच्छा मौका होता है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप 2021 में पास आउट हो चुके हैं
तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं यहाँ पे रहने वाली है। सीखने को बहुत अच्छा, सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है, इसी के अलावा जो एक्सपोजर मिलता है, जो आप नई नई चीज़ें सीखते हैं उसकी मेन वैल्यू होती है कि आखिर किसी भी PSU का या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एटमोसफेयर क्या होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेन देखी जाती हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31st of October 2021 रहने वाली है, तो यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पास आउट वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके मेरिट के बेसिस पे, यानी कि जो आपने अपने मार्क्स स्कोर किए हैं डिप्लोमा में या फिर डिग्री में, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू या फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बेसिकली वो DV ही होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, वही आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के लिए है, इसमें आप लोग ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, मतलब अगर किसी और रीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 26 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, बाकी अप्लाई करने के लिए आपको NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद फाइंड एस्टैब्लिशमेंट के सेक्शन में जाके आपको ये चीज फाइंड कर लेनी है, NDLSWC00002, और जाके आपको क्लिक हेयर करके अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इसका जो पूरा प्रोसेस है बेसिकली यही रहने वाला है, इसके अलावा कुछ भी इसका तरीका नहीं है। बाकी ये जो इसकी PDF है, यहाँ पे किस में अप्लाई करना है प्रॉपर ये चीज़ मेंशन है, तो कोई आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड एस्टैब्लिशमेंट के सेक्शन में जाके आपको सर्च करना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब आप करते हो तो आप ये नीचे देख सकते हो कि ये जो नीचे लिख के आ रहा है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेजुएट, ये जो इतना सारा सब कुछ निकल के आ रहा है नॉर्दर्न रीजन, यहाँ पे जाके जाके आपको प्रॉपर खैर अप्लाई करना होगा। ये जो आप देख सकते हो, ये मैं हाईलाइट किए देता हूँ आपके लिए, दिस ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और बस सेम यही अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी वेबसाइट या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मैंने इसके लिए ऑलरेडी आपके लिए अपडेट कर दिया है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन, इसी के अलावा इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपने हिसाब से जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के अलावा मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे वेबसाइट पे काफ़ी सारे एड्स आते हैं, अगर वो आपके मतलब के हैं तो प्लीज़ उन एड्स पे क्लिक करिए, ताकि इसका जो थोड़ा रैंकिंग है वो इंक्रीज़ हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और एक और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है कि हमें अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, तो सर्टिफिकेट देखिए, जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है उसको पहले मिलेगा, और जिसने अपना रजिस्ट्रेशन बाद में किया है उसे 1-2 दिन बाद में मिलेगा, तो उसी के हिसाब से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको भी मिल जाएगा, 2-3 दिन में हम लोग सभी को ही डिस्पैच कर देंगे।